पूरा सिख होना, नम्रतधारी सिख होना बहुत सौखी बस की गल नहीं गी। ये गुरु ग्रंथ साहब का वो टासरा कोई भी मत्था टेके तो बाहर नहीं जाता। अमृत छकना कभी मन चाहिए कभी बहुत बार बहुत औखा काम कोई कह दे मैं तुसी अज ये गल पुछ ली पर तुसी की सोचते हो ये बहुत ये ओदी कृपा ही नहीं बहुत सुचम बहुत चीज़ा है जड़िया ए चाहीदियां ये कोई ये फिर ओदी कृपा ही होंदी है तदी बहाना नहीं मैं तुसी को बहाना है बहुत ऐसियां चीज़ा है जदों तुसी मैं बहुतां नूं जानदा है जिहड़े बाणा जरूर उन्होंने पाया हुआ कॉन्ट्रोवर्सी वाली गल हो जूगी पर जे तुसी बाणा पा के तुसी नहीं उदू ऐ चंगे तुसी कदी सोचे कि मैं मैं क्या जी मैं सोचन दी जाए बहुत बहुत बिट्टू रवनीत सिंह बिट्टू खालसा हो जाए बहुत जगह संत महापुरश नानक सर साहब दी मैं गल करदा कई बार मेरे मैं नाम नहीं लेना चाहता बाबा जी का इस वेले नहीं रहे तो प्रसाद देने तो पहला ये गल कहिंदे सी भी अगली बार प्रसाद जे लैन आना तो भाई पूरन गुरसिख पूरन बन के आओ पर ये बहुत सौखी बस की गल नहीं गी। ये पूरा सिख होना नम्रतधारी सिख होना बहुत दिखावे नहीं मजबूरी नहीं ना ना ये तो जो नितनेम करते मैं देखो मेरे घरे तुसी आज भी चलो हमेशा गुरु ग्रंथ साहब जी दा हमेशा मेरे माता जी मेरे पिता जी तो बहुत पहला डैथ हो गई सी मेरे ताई जी गुरकीरत होना मदर वो भी नहीं रहे हुण पर लगातार गुरु ग्रंथ साहब दा वो टासरा कोई भी मत्था टेके तो बाहर नहीं जाता ते जदों पूरा हमेशा लड़ी चलती रहती है मम्मी हुणी हमेशा चलाउंदे आ जदों पूरा संपूर्ण हो गया फिर उदन भोग पैंदे आ ते जदों भी बच्चे दा किसी दा जन्म देना जां किसी दा ए आ ते फिर उदन अलग भोग पाए जांदे आ गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब जी तां देखो एक एक थोड़ा जिंदगी आ तुसी मतलब जदों तुसी उत्थे एक बार सिर झुकाता एक हाथ जोड़ते फिर उदों बाद किसी चीज़ की लोड़ नहीं रहिंदी पूरा सिख होना नम्रतधारी सिख होना बहुत सौखी बस की गल नहीं गी। ये गुरु ग्रंथ साहब का वो टासरा कोई भी मत्था टेके तो बाहर नहीं जाता।